नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और जैसे कि हम सब जानते हैं टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे। स्टार्टिंग से जब राज कपूर की फिल्मों के म्यूजिक हम लोग ने देखा है, टू शमी कपूर की म्यूजिक, अखियां मिलाना, तो इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, दिल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, चलिए टिल अनु मलिक केम टू डेट, बप्पी दा, काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर से। तो अभी हम लोग सुनेंगे राजीव विजय कर। पहले साइलेंट मूवीज होती थी और कुछ साइलेंट फिल्मों में एक हारमोनियम वाला और एक तबलची स्क्रीन के सामने बैठते थे और सीन जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से म्यूजिक देते थे। आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे इंडियन फिल्म म्यूजिक। जब फिल्मों में साउंड आ गया 1931 के साथ, फिल्म आरम आरा के साथ, तो दे वेर प्रॉपर सॉन्ग्स जो पिक्चरों में डाले जाते थे और गाने लोगों को इतने अच्छे लगे कि कुछ फिल्मों में 20 या 50 से भी ज्यादा गाने होने लगे। ये इरा जो लगभग मेरे ख्याल से हम लोग मान सकते हैं कि 1940 से ज्यादा करके शुरू हुआ। 1943 में किस्मत थी, 1944 में रतन थी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया वो 1949 में आया। उसमें जो सबसे आगे जो फिल्म थी वो बरसात थी, उसके बाद में अंदाज और महल, और ऐसी फिल्मों के साथ फिर हमारा फिल्म म्यूजिक निकल पड़ा। बरसात की जो खास बात है वो ये है कि उसके साथ एक लोगों को ये जानने में आया कि एक पैरेलल इंडस्ट्री भी फिल्म के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है, साथ में रह सकती है, वो थी म्यूजिक इंडस्ट्री। से आएगा आने वाला महल का, दूर हटो ये दुनिया वालों, किस्मत का, अखियां मिला के, जिया भरमा के, रतन का, ये छोड़ के अगर कोई फिल्म ऐसी थी जिसके वजह से लोगों को लगा कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री बन सकती है, HMV जो उस वक्त एक ही कंपनी थी, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, उसकी जो मेन फिल्म थी वो थी बरसात, और उसमें जो चार लोगों को, कमाल लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया राज कपूर साहब ने, वो थे शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। तो उस फिल्म के गानों ने मुकेश और लता मंगेशकर को भी अपनी मेजर पहचान दी। अपने पुराने गानों के साथ सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे पुराने गाने नए फिल्मों में नए रूप में भी आ रहे हैं। मनोज कुमार, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि जब गाना आता है हिंदी फिल्मों में तो फिल्म की स्क्रिप्ट जो है, कहानी जो है, वो उस वक्त रुक जाती विद डायलॉग्स। वहाँ डायलॉग्स नहीं होते, वहाँ एक गाना होता है और फिर डायलॉग शुरू होते हैं। इससे दो चीजें होती है, एक तो मनोरंजन होता है क्योंकि आपको एक अच्छा मधुर गाना सुनने को मिलता है जिसके शब्द अच्छे, धुन अच्छी है, और दूसरी चीज जो चीज शायद आपको 15 मिनट लगे डायलॉग से समझाने में, वो आपको 2.5 या 3 मिनट के गाने में, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के गाने में, वो और उससे ज्यादा भी कहानी के बारे में, किरदारों के बारे में मालूम पड़ता है। सुधीर मिश्रा जो, उन्होंने भी एक चीज ये बोली थी कि 20th सेंचुरी में सबसे अच्छा म्यूजिक और सबसे अच्छी कविता, इनमें जो काफी एक मेजर भाग है वो फिल्मों में दिखाई सुनाई देता है, फिल्म संगीत में सुनाई देता है, क्योंकि हमारे जो लिरिसिस्ट थे वो कमाल के लिखते थे और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो कमाल की धुनें बनाते थे। एक गाना लिखा जाता था उस कहानी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कहानी कोई और चल रही है और आप सडनली स्विट्जरलैंड चले गए और एक गाना शूट करके वापस गांव में आ गए। तो ये जो कहानी का रंग है, कहानी जिस दौर, जिस तरह से चल रही है, उसके कैरेक्टर्स की लेवल जो है, मतलब कोई कैरेक्टर बोट चलाता है, कोई कैरेक्टर इंजीनियर है, कोई कैरेक्टर डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, या फिर कोई प्रोफेसर है, तो उस हिसाब से वो गाने लिखे जाते थे और बनाए जाते थे। तो हर संगीतकार ने अच्छा संगीत दिया है। जो छोटे म्यूजिक डायरेक्टर में SN त्रिपाठी है, जो क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर थे, उन्होंने बहुत कम फिल्में की और उसमें शायद 2-3 ही बड़ी फिल्में थी, बड़ी यानी स्टार कास्ट वाली, बड़े डायरेक्टर के साथ। तो उस तरह से आप देखेंगे तो हर म्यूजिक डायरेक्टर टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर रहा है, क्योंकि उसने अपनी अपनी जगह बेस्ट काम किया है। शंकर जयकिशन, जिन्होंने मॉडर्न फिल्म म्यूजिक को
आज के जो आज जो बोला जाता है मॉडर्न फिल्म म्यूजिक, उसको उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया बरसात में। बरसात ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार हमें ऐसा लगा, एक वो बरसात के पहले एक ठेका हुआ करता था जिसको लगभग सारे लोग फॉलो करते थे, बीट जो होती है, शंकर जयकिशन ने इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने जो एस्टेब्लिश सिंगर्स थे लता जी और मुकेश जी और रफ़ी साहब, उनको एक नया मोड़ दिया। जैसे रफ़ी साहब ने उस फिल्म में गाना गाया, एक ही गाना गाया, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, तो वो शायद पहला सैड सॉन्ग है हिंदी फिल्मों का जो फास्ट रिदम पे है। और मुकेश जी और लता जी को उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बना के दिया। जैसे मुकेश जी के पहले अगर, या उसी फिल्म उसी साल में आई एक और बड़ी म्यूजिकल हिट अंदाज में, आप मुकेश जी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये केएल सहगल की तरह गा रहे हैं जो वो गाते थे, लेकिन बरसात ने उनको एक फ्रेश अप्रोच दिया। और उनके साथ जो जोड़ी बनी गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की, ये पहली बार हमने देखा कि चार लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो म्यूजिक सभी को समझ में आता है। बरसात में हमसे मिले तुमसे मिले हम, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा, मोरे बालमा तेरा इंतजार है। कॉमन आदमी के वोकैबुलरी के हिसाब से रूल चला, वो लेट 60s तक चला और 70s तक वो काम करते गए। से प्रोफेसर है, जंगली है, या फिर क्लासिकल में बसंत बहार है, दिलीप कुमार साहब की दाग है, राज कपूर की कितनी सारी फिल्में, शम्मी कपूर की लगभग सारी फिल्में, तो ये सब शंकर जयकिशन ने किया। और अलग अलग तरह का हिंदुस्तानी कम वेस्टर्न म्यूजिक का जो एक संगम होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया।